इससे सबसे बड़ा खतरा कि दूसरे ग्रह से आने वाले उल्का पिंड धाम धाम गिरेगा। बहुत दिक्कत है चंद्रमा पे रहने का, तो चंद्रमा पे बहुत ही गड़ाहगड़ ही है। कहते चंद्रमा में दाग है, कोई खलिया आदमी रहेगा ना तो चांद को देखेगा कितना सुंदर है। अरे यार उसमें सुंदर कौन चीज लगता है, हमारा ना बुझाता है। पृथ्वी का जीवाश्म चंद्रमा को कहते हैं, रात की रानी चंद्रमा को कहते हैं। चंद्रमा पर किसी भी प्रकार का वायुमंडल नहीं है। इससे सबसे बड़ा खतरा कि दूसरे ग्रह से आने वाले उल्का पिंड धाम धाम गिरेगा। किस पे? चंद्रमा पर। बेचारा पे कितना चोट लगता होगा चंद्रमा पे, सोचिए। हाँ बहुत दिक्कत है चंद्रमा पे रहने का, चंद्रमा पे रहना ठीक नहीं है, खतरे से खाली नहीं है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के बाहर वायुमंडल नहीं है। यह वायुमंडल न होने के कारण क्या हमारी रक्षा इस उल्का पिंड से हो पाएगी? तो चंद्रमा पर उल्का पिंड से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। यानी आप वहाँ चलते फिरते रहिएगा, धड़ाम से गिरेगा उल्का पिंड, धंस जाइएगा, खोजेगा कोई बाहर, कहाँ गया सुरेंद्र, सुरेंद्र धंस गया। समझ में आ गया? तो चंद्रमा पे बहुत ही गड़ाहगड़ ही है, और इतना बड़का बड़का उल्का पिंड गिरा है चंद्रमा पर, इतना बड़ा बड़ा उल्का पिंड गिरा है कि उसमें बड़का बड़का गड़ाहा हो गया है। अब आप बताइए, अगर गड़ाहा है कहीं तो उसमें सूर्य का रोशनी तो प्रॉपर नहीं पहुँचेगा। बड़का कुआं के अंदर सूर्य का रोशनी जाता है, अब बड़का बड़का गढ़ा में सूर्य का रोशनी जाएगा? वही हम लोग चंद्रमा को देखते हैं तो जहाँ गढ़ावा है रोशनी नहीं गया, उसको दाग दिखता है, धब्बा दिखता है, तो लोग कहते हैं चंद्रमा में दाग है, चांद में दाग है। कोई खलिया आदमी रहेगा ना तो चांद को देखेगा कितना सुंदर है। अरे यार उसमें सुंदर कौन चीज लगता है, हमारा ना बुझाता है। नहीं जा बाका गोल थरिया ऐसे तो दिख रहा है, लेकिन जब लड़का सबको लाल पीला हरा की दुनिया में जाता है सुनो, तो कल्पनाशील हो जाता है, वाह चांद सुंदर। उससे पहले उसको पते नहीं है, नहीं समझा चांद सुंदर है। आप चांद के पार चलो, ऑक्सीजन नहीं है उधर, आगे बढ़े ले जाके मारेंगे फेरा में, ऐसा ही कह रहा है। लड़की लोग को अगर कोई कहे कि चांद के पार चलो तो कहे हमरा ना मरना है, मारो देगा ले हो जाके उन्हें कहीं, चांद के पार चलो, गढ़ा है उधर खाली, कोनो गढ़ा में फेंक के चलाएगा। चांद पे पाए जाने वाले ग्रहों को क्रेटर कहते हैं। चंद्रमा पे जीवन संभव नहीं है क्योंकि वायुमंडल न होने के कारण कब उल्का पिंड गिर जाएगा और कब कहीं धधकता हुआ सौर ज्वाला चलाएगा। अरे वायुमंडल रहेगा तब ना उसको बाहर कर देगा, अरोरा ओरियोलिस, अरोरा बोरियोलिस, कहीं झुलस के मरेगा कभी आदमी, कहीं दबा के मरेगा। अच्छा वायुमंडल न होने के कारण ध्वनि उत्पन्न तो हो सकती है, सुनाई नहीं देगी, क्योंकि ध्वनि वायु के रास्ते या जल के रास्ते या ठोस के रास्ते ही जा सकती है। वहाँ वायुमंडल नहीं है तो ध्वनि उत्पन्न होगी, ध्वनि उत्पन्न होगी, सुनाई नहीं, चिल्लाते रहिए। वहीं से एक आदमी दूसरे आदमी से बतियाने के लिए फोन का यूज करता है, माइक्रोफोन का यूज करता है, समझा? देखते हैं रजाई ओढ़ के गया रहता है, सब रजाई नहीं रहता है, स्पेस सूट होता है वो, स्पेस सूट होता है, वहाँ पर स्पेस सूट पहन के जाया जाता है, रजाई नहीं रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को दिक्कत? तो बताइए चंद्रमा पे जीवन संभव है? वायुमंडल न होने के कारण धूल कण भी नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि धूल कण तो हवा में ही तैरेंगे, और यही धूल कण पे जब सूर्य का रोशनी पड़ता है तो सूर्य की रोशनी बिखर जाती है। क्या होती है? बिखर जाती है। सबसे ज्यादा बैगनी और नीला रंग बिखरता है, लाल रंग बिखरता ही नहीं, तो सबसे ज्यादा बैगनी और नीला बिखरता है, इसलिए सूर्य बैगनी और नीला का मिक्स दिखता है। आसमान, आसमान क्या होता है? रंगीन दिखता है, यहाँ पे नीला दिखता है। समझ आ गया? क्या दिखता है? नीला। लेकिन चंद्रमा पे तो वायुमंडल ही नहीं, तो वहां सूर्य आसमान दिखिएगा तो काला दिखेगा, चंद्रमा पे से आसमान कैसा दिखे? काला। और कोई आवाज नहीं सुनाई देगा, सन्नाटा एकदम रहेगा, चिल्लाते रहिएगा ए चाचा, कुछ नहीं सुना, चाचा हो डर लग, तो सुनाई भी नहीं करेगा, ओके पूरा बहुत डर लगेगा चंद्रमा पे, सोचिए बहुत दिक्कत है। अब पूरा आकाश कैसा दिखेगा? काला। कभीओ कोनो उल्का पिंडा के गिर जाएगा दबाक से, यहाँ कबो कोनो सौर ज्वाला के झुलसा के चल जाएगा, ये कुर्सी बहुत दिक्कत है। इसे जीवाश्म कहते हैं, पृथ्वी का जीवा, इस पे जो गड्ढे पाए जाते हैं उसी कारण इसका रंग कैसा है? काला। वो जो धब्बा धब्बा दिखता है वो क्या है? काला है। देखिए जब पास आ जाता है ना सूर्य, कौन सूर्य कर रहे हैं चंद्र, तो बहुत बड़ा दिखता है, इतना बड़का दिखता है, क्या होता है? बड़का दिखता है। तो हम लोग चंद्रमा का जो मैक्सिमम भाग देख पाते हैं वो 59%, किसी का आप 100% भाग नहीं देख सकते। हमारा का पीठ दिख रहा है तो 100% कोनो 3D चीज का तो देखिए नहीं सकते हैं आप। भाई कुर्सिया का आपको 100% दिख रहा है, पिछवा का कोई चीज बटन वटन जो होगा पीछे का नहीं दिख सकता है आप। उसी तरह चंद्रमा का भी हमें 100% नहीं दिख सकता, कितना दिखेगा?
इसे सुपर मून कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर मून। क्या कहेंगे? सुपर मून। क्या कहेंगे? सुपर। जिस दिन अमावस रहता है, अन्हरिया अमावस, इसे कहते हैं न्यू मून। क्या कहेंगे? न्यू मून। आज जिस दिन पूर्णिमा रहता है, उस दिन फुल मून। कौन सा मून? फुल मून। समझ में गया? आज जिस दिन बाका दिखेगा, पास आ गया तो सुपर मून, पास आया तो गायब हो गया, न्यू मून। न्यू मून बड़का पूर्णिमा, फुल पूर्णिमा, पूर्णिमा। भूत चुराइन ये सब निकलती है अमावस, अमावस के दिन। देखिएगा ना, चुराई लुराई रहेगी, पिछले जन्म का बदला लेगी। यहाँ पे तुम पिछले जन्म में पति को मारा था, मैं इस जन्म में लेके जाऊंगी। ऐसे फिल्म देखेंगे ना, उसमें ऐसे कौन, एक मिथुन का फिल्म है, मैं कीला गाड़ती हूँ के पैरवे में, 20 साल बाद, 20 साल लोग का इंतजार करती है, लड़का इंतजार करेगा 20 साल, बदल दूसरा देख लेता है, चल गए दूसरा देख रहे। लड़का कचरा होता है। चंद्रमा का महीना कितने दिन का? इसका मतलब अगर किसी महीने में पहली या दूसरी तारीख को ही पूर्णिमा पड़ गया, तो उसी महीने में लास्ट में 28 और 29 तक में फिर दूसरा का पूर्णिमा पड़ेगा। तो एक ही महीने में दो पूर्णिमा पड़ सकते हैं, शर्त यह है कि शुरुआती तारीख को होनी चाहिए, 1, 2 या 3 तारीख। समझा गया कि नहीं? 1, 2 या 3 तारीख। तो जब कभी भी एक ही महीना में दो दो को पूर्णिमा पड़ जाएगा, तो पहला पूर्णिमा को पूर्णिमा और दूसरा पूर्णिमा को ब्लू मून। क्या कहेंगे? ब्लू मून। तो सेकेंड पूर्णिमा को क्या कहते हैं? एक ही महीना के सेकेंड पूर्णिमा को ब्लू मून। क्या कहेंगे? ब्लू मून। एक महीना में अगर सेकेंड पूर्णिमा पड़ा, तो पहला पूर्णिमा को पूर्णिमा और दूसरा का पूर्णिमा को हाँ ब्लू मून। कभी कभी ग्रहण लग जाता है। क्या होता है? ग्रहण लग, और कंप्लीट चंद्र ग्रहण लगता है। तो चंद्र ग्रहण में सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, लेकिन सबसे दूरी तक कौन सा रंग पहुंच जाता है? लाल। तो सूर्य के रंगों में 7 रंग छुपा है। पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय 7 में से 6 रंग नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन लाल रंग खतरे का सूचक बहुत दूर तक चला जाता है, और वो लाल रंग पहुँच जाता है, और उस दिन चंद्रमा लाल दिखता है, जिसे हम रेड मून कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड। तो बताइए, ग्रहण के समय हाँ, ग्रहण के समय रेड मून। क्या हो गया? रेड।